दोस्तों 19 सेंचुरी में भारत में एक महान पहलवान हुआ करते थे जिनका नाम था गोबर गुहा। इन्हें कुछ लोग गोबर गोहो भी कहते थे। इनका पूरा नाम था जतिंदर चरण गुहा। गोबर पहलवान ने अपना ज्यादातर वक्त इंटरनेशनल रेसलिंग करने में बिताया और इन्होंने जिबिस्को जैसे महान पहलवान को भी हराया, जिन्होंने गामा पहलवान को भी टक्कर दी थी। गोबर पहलवान ने रेनाटो गर्दिनी, एड सेंटल और जो स्टेचर जैसे महान पहलवानों को भी हराया। इनफैक्ट सेंटल को हराने के बाद गोबर पहलवान एशिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने अमेरिका के अंदर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता। इनकी हाइट थी 6 फुट 1 इंच और वजन था 132 किलो। गोबर पहलवान की ज्यादातर पीढ़ियां पहलवानी करा करती थी। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने मस्जिद बाड़ी में एक अखाड़ा बनाया जिसे बाद में अंबू बाबू और खेतू बाबू ने चलाया, जिन्होंने महान स्वामी विवेकानंद को भी कुश्ती की ट्रेनिंग दी थी। इन्होंने स्कॉटलैंड के हाईएस्ट रैंक्ड रेसलर जिमी कैंपबेल को भी हरा। इनकी कुश्ती के स्टाइल में काफी खतरनाक मूव्स हुआ करती थी और इनकी सबसे खतरनाक मूव थी रड्डा। क्या आप भी ऐसे किसी महान पहलवान के बारे में जानते हैं? प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।